होली एवं अन्य त्योहारों के मद्देनजर पुलिस लाइन के रविंद्रालय में किया गया शांति बैठक का आयोजन। गुरुवार को पुलिस लाइन के रविंद्रालय में डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी रोहित सिंह सजमान, जिले के एसडीएम, सीओ, एडिशनल एसपी और एडीएम के साथ चुनाव व होली की तैयारियों को लेकर चर्चा की। होलिका दहन के स्थलों को लेकर अक्सर विवाद हो जाता है जिस पर माहौल बिगड़ सकता है, इसकी सुरक्षा और विवादित स्थलों को एसडीएम सीओ देखकर सुनिश्चित कर उनकी व्यवस्था करवा दें। कहीं ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए। कोविड नियम के तहत बगैर अनुमति के कोई जुलूस या कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। संबंधित थानेदार, एसडीएम और सीओ इसकी व्यवस्था करें। इसके अलावा उन्होंने बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड के अफसरों को भी निर्देश दिए कि वह अपने एरिया में झूलते और ढीले तारों को चेक करवा लें। फायर ब्रिगेड जरूरी जगहों पर गाड़ियां खड़ी कर आग बुझाने के सभी उपकरणों से फायर कर्मियों को लैस करें, जिससे कि कोई अप्रिय वारदात ना हो। इसके अलावा ट्रैफिक वालों से भी कहा गया है कि वह मुख्य सड़कों को गड्ढा मुक्त करें, वहाँ जाम की समस्या अतिक्रमण हटवा दें। संवाददाता राजा हसन के साथ मैं विमलेश शर्मा, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज़। हर खबर आप तक। एक हदीस से करना चाहता हूँ, नबी साहब बुरा वक्त मानिएगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब तशरीफ़ फरमा थे और उनके साथ सारे साहबा इकराम भी तशरीफ़ फरमा थे, तो हुजूर ने सारे साहबाओं से कहा कि आप ये बताएं कि दीन के लिए सबसे मजबूत अमल क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनियादारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक साहबा ने कहा कि हुजूर, दीन के लिए सबसे मजबूत अमल 5 वक्त की नमाज होनी चाहिए। हुजूर ने कहा कि 5 वक्त की नमाज बेहद जरूरी है, लेकिन दीन के लिए, दुनियादारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज नहीं। फिर किसी साहबा ने कहा कि साहब, रोजा होना चाहिए। किसी ने हज कहा, किसी ने जकात कहा, सब ने अपने अपने तरीके से कोई ना कोई बात कही, लेकिन मोहम्मद साहब किसी की बात से पूरी तरीके से मुतमइन नहीं हुए। तब साहबाओं ने कहा कि हुजूर, आप ही फरमाएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो दुनियादारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हुजूर ने कहा कि दीन के लिए सबसे मजबूत अमल आपका अखलाक है, आपका व्यवहार है, और जैसे आप हैं वैसे आप दिखाई दें, यही आपका अखलाक है। आप अपने पड़ोसी से, आप अपने समाज से, परिवार से, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, यही आपका अखलाक है। तो इसलिए आप सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि आप लोगों ने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब जो है हिंदुस्तान के, उसको बरेली में हमेशा कायम रखा और बरेली का एग्जाम्पल देते हैं। अब मुझे पक्का विश्वास है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आश्वस्त हूँ कि आपको अच्छा करेंगे, कहीं सोचना नहीं है। प्रशासन को, पुलिस को सही समय पर अवगत कराते रहे हैं आप, कोई भी समस्या आने के पहले, क्योंकि आपके प्रशासन और पुलिस मित्र है आपके, हमेशा जो भी समस्या आती है उसको हम सुनते हैं और समाधान का प्रयास करते हैं। मुझे बताया है कि बाकी जो समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की, सब कुछ बता डिस्कस हो चुका है। और दो तीन चीज़ें जो एसपी साहब ने बताई कि होली और सबे बारात का जो त्यौहार है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी चुनाव, पंचायत चुनाव की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी आपने देखा होगा कि चुनाव के शासनादेश में चेंज हुआ, पहले पंचायत का आरक्षण हुआ, फिर उससे परिवर्तन हुआ, तो कई लोग कन्फ्यूजन में है कि हमारा पहले ये सीट था, सीट चेंज हो गया। तो ये सब आपको आश्वस्त कर दूं, जो भी हुआ है मेरिट पर हुआ है और बिल्कुल फॉर्मूले के आधार पर हुआ है, और चाहे किसी स्तर से कोई बात की गई है उसको नहीं सुना गया, जो सही है उसी को लागू किया गया है, एकदम आश्वस्त है और बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से फॉर्मूले के तहत ही हुआ। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी शासनादेश चेंज होने के साथ बहुत सारे सीट्स में परिवर्तन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन 2% नहीं होता, कभी भी कोई चीज़ आपको मिलता है छिन जाता है, तो लोगों को लगता है कि क्या दिक्कत आ गई, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो भी हुआ है, जो फॉर्मूला है, एक शासनादेश है, और सबसे बड़ी बात जो आज की डेट में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है,